हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू रोम विद रितु। इस चैनल पे हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की, लाइफस्टाइल की और कभी कभी टेक की। और आज हम टेक की ही बात करने वाले हैं और आज एक मैं इम्पॉर्टेंट गैजेट की बात करने वाली हूँ जो कि हर कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक माइक के बारे में। तो मैं भी एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ तो मेरा बजट अभी बीच का है, तो मैंने रिसर्च किया और मुझे मिले 5000 से लेके 35000 तक के अच्छे माइक्स, पर मुझे एक मिडिल रेंज का चाहिए था। तो मैंने अभी लिया है हॉलीलैंड का लार्क M2 और जिसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग आज मैं करने वाली हूँ, और इसका फाइनल प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑफ द वीडियो में मिलेगा। ओके, तो जल्दी से करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। तो पहले ये बॉक्स है, इसको ओपन करेंगे तो मिलेंगे कुछ पेजेस जैसे बुकलेट्स, मैनुअल और स्टिकर्स, जिनके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस चार्जिंग केस की। ये इसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई चीप प्लास्टिक यूज़ की है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें एक है ट्रांसमीटर, दो रिसीवर। ट्रांसमीटर कुछ इस तरह से दिखता है, वेरी लाइट वेट इट इज़। और जैसे कि हम जानते हैं हॉलीलैंड अपने साइज़ के लिए बहुत मशहूर है, तो ये बिल्कुल कॉइन साइज़ का रिसीवर है इसका। बात करें इसके चार्जिंग केस की, तो जब इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि अभी कितना चार्ज है ये, और चार्ज करने के लिए इसमें लगता है सी टाइप का यहाँ पे कनेक्टर, और इसके साथ आता है दो तरह का कनेक्शन के लिए। जैसे फर्स्ट है लाइटनिंग कनेक्टर, तो ये आईफोन के लिए यूज़ होता है, और दूसरा है टाइप सी का कनेक्टर। ये कॉम्बो किट है इसलिए इसमें ये दोनों आए हैं। इसके बाद इसमें आता है ये पाउच जिसमें आप इसको कैरी करके आराम से ट्रैवल कर रहे हो तो इसे इसमें डाल के कर सकते हो। और इसके साथ है ये विंड रिडक्शन के लिए डेड कैट्स, इसको आप माइक पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप विंडी सिचुएशन में ज़्यादा होते हैं माइक पे लगा दो तो वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है ये लॉकेट जिसको आप गले में टांग सकते हो। अगर आपको माइक को अपने क्लोथ पे कैरी नहीं करना है तो आप ये गले में लगा के इस पे माइक अटैच कर सकते हो अपना। एंड दिस वायर जो कि चार्जिंग केबल है इसकी, ये सी टाइप से चार्ज होता है तो ये उसके लिए केबल दी हुई है। इसके अलावा इस केस में है ये वायर 3.5 mm जैक की, तो ये आप अपने कैमरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये मैंने कॉम्बो पैक लिया है। अगर इसमें आप सिर्फ सी वाला लेना चाहे तो सिर्फ सी वाला भी ले सकते हैं, सिर्फ लाइटनिंग वाला लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और सिर्फ कैमरा वाला चाहे तो वो भी ले सकते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज रहेंगे, तो मैंने एक कॉम्बो लिया है जिससे मैं सबको अपने सारे गैजेट से अटैच कर सकती हूँ। तो यह है इसका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में यहाँ पे साइड में दो बटन है, एक पावर का और एक जैसे मोनो या आपको दोनों माइक से अलग अलग रिकॉर्ड करना, पॉडकास्ट आप कर रहे हो उसके लिए। यहाँ पे वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हो इसको घुमा के, तो प्लस माइनस जितनी भी आपको वॉल्यूम चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आप इस नॉब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये फिक्स करने के लिए, जैसे आपको कॉलर पे ही चाहिए या फिर आप GoPro यूज़ कर रहे हैं तो उसके मीडिया अडेप्टर पे चाहिए तो उसके लिए है। यहाँ पे है रिसीवर, रिसीवर में ये बटन है, ये पावर ऑन के लिए भी यूज़ होता है, नॉइस रिडक्शन के लिए भी यूज़ होता है, और एक इसका बहुत ही स्पेशल फीचर है जो मैं आपको बताऊँगी। और ये इसके साथ मैग्नेट है जो कि आप कॉलर पर लगा सकते हो, और ये बहुत देखो स्ट्रांग मैग्नेट है, आप देख सकते हो। तो ये आप लगाना है यहाँ पे, ये टाइप सी का है, तो अभी मैं आपको टाइप सी से टेस्ट करके इसको दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास है फ़ोन, इंसर्ट करना है। जैसे आप इंसर्ट करोगे यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होने लग जाएंगी, यानी कि ये पेयरिंग के लिए वेट कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपने ट्रांसमीटर के ऑन बटन को प्रेस करना है। जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे यहाँ देखो ये भी ब्लिंक होने लग गया, मतलब अब ट्रांसमीटर वेट कर रहा है रिसीवर का। तो ये हमारे रिसीवर है, तो अगर आपको ये यूज़ करना है आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए। अभी देखो यहाँ कोई लाइट नहीं जल रही है, जैसे ये कनेक्ट होगा तो ये ब्लू लाइट इसमें जलने लग जाएगी। अभी जब ब्लिंक हो रही थी मतलब वो कनेक्ट हो रहा था, पर जब ये स्टेडी हो गई यानी इसका मतलब ये अब पेयर्ड है, तो अब हम रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हैं। और अगर इसमें आपको नॉइस रिडक्शन ऑन करना है तो इस बटन को एक बार प्रेस करना है,
और ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन मतलब अब आपका नॉइस रिडक्शन ऑन है। अभी तक जो आप मेरी आवाज सुन रहे थे ये मेरे आईफोन से डायरेक्ट आ रही थी, अब मैं आईफोन में ये कनेक्ट करके आपको सुनाने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस आता है मेरी आवाज में। तो अब मैंने ये कनेक्ट कर लिया अपने आईफोन से, आप इसमें देख सकते हैं दोनों लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब दोनों मेरे कनेक्ट हैं। तो अभी ये आपको मेरी वॉइस में डिफरेंस पता लग रहा होगा, पहले कैसी आ रही थी और अब कैसी आ रही है। और इसका प्लस पॉइंट है इसका साइज़, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, आप इसको रिवर्स करके भी ऐसे लगा सकते हो और सिर्फ इतना सा ही दिखेगा। और आपको ये भी नहीं दिखाना है तो आप ये स्टिकर्स यूज़ कर सकते हो, इसमें पूरा ब्लैक भी मिलेगा और अलग अलग इमोजीज भी मिलेंगे। तो DJI माइक और रोड माइक जो कि बहुत पॉपुलर है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप कपड़े पे लगाते हैं तो वो गिरने का भी डर रहता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ये बिल्कुल 10 रुपये के सिक्के से भी छोटा है। और इसके साथ जो ये मिलता है नेक में लगाने के लिए, इसको आप डायरेक्टली ऐसे गले में टांग के इस पर माइक को अटैच कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है इन्होंने। और हाँ, इसकी एक और बहुत अच्छी खासियत है कि अगर आप माइक यूज़ कर रहे हो और आपके साथ कोई सपोर्ट करने को लिए नहीं है, तो आप वीडियो ऑन और ऑफ इससे माइक से डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें जो ये येलो बटन है, अगर आप इसको 2 बार प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट या एंड हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी है। और नॉइस रिडक्शन के लिए अभी जैसे आप देख सकते हो इसमें ब्लू लाइट जल रही है, अगर हम इसे 1 बार प्रेस करेंगे तो अभी नॉइस रिडक्शन ऑन हो गया। तो अभी इसका टेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम आए हैं रोड पे, ऐसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है और अभी जो नॉइस रिडक्शन है ऑफ है, तो अभी आप सुन सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है पीछे से। अब मैं इसको ऑन करूँगी, ये ग्रीन हो चुका है, तो अब आप फ़र्क सुन पा रहे होगे शायद कि नॉइस रिडक्शन से कुछ ट्रैफिक की आवाज़ पर फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो मैं 2 मिनट के लिए चुप भी होके देखती हूँ। ओके, सो आपको इतने में पता ही लग गया होगा कि कुछ फ़र्क पड़ता भी है नॉइस रिडक्शन से या नहीं। आप बाहर आउटडोर में ट्रैवल व्लॉग बना रहे हो, मोटो व्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें इसका कितना बेनिफिट रहेगा। तो अब हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं कि सच में 300 मीटर ये करता है या नहीं। तो अभी मैंने नॉइस रिडक्शन भी ऑन कर रखी क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूँ, तो यहाँ तक 150 मीटर होगा, तो यहाँ तक के लिए मैं टेस्ट करूँगी। तो अभी मैं वॉकिंग में दिखा रही हूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है, एंड में मैं रुक के भी दिखाऊँगी कि कुछ उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं। और अभी ये स्ट्रेट रोड है बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हो। तो स्ट्रेट रोड पर मैंने देखा है जैसे माइक के रिव्यू, स्ट्रेट रोड पर अलग उसकी इफ़ेक्टिवनेस रहती है और कुछ ऑब्स्टेकल के बीच में कुछ अलग। तो अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे इसका टेस्ट करने वाली हूँ कि जो कंपनी दिखाती है वो सही है कि नहीं। तो अभी लगभग मैं 50-60 मीटर दूर आ चुकी हूँ, तो आई होप यहाँ तक तो आपको सही से आवाज़ आ रही होगी। अब मैं बिल्कुल उस रोड के एज तक जाने वाली हूँ जो कि 150 मीटर दूर है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चलती हूँ और आपको पता लगे। जैसे आप ब्लॉग बना रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं, तो चलते चलते जब बनाते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। और हाँ, जैसे मैंने बताया वॉइस रिडक्शन ऑन है, थोड़ा सा मैं ऑफ करके भी ट्राई करती हूँ कि कैसा रहेगा इसमें। अभी मेरा रिडक्शन ऑफ हो चुका है एंड हम ऑलमोस्ट देखो इतनी दूर आ चुके हैं। और अब इसके एज तक अभी मैं चल रही थी, तो आई डोंट नो वॉइस आ रही थी आपको या नहीं, तो मैं स्टेबल होके भी चेक करूँगी कि इसकी आवाज़ आ रही है नहीं। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और लगभग 150 मीटर दूर खड़ी हूँ, तो अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कैसी आ रही है। मैं टेस्ट करने वाली हूँ इसकी विंड रिडक्शन इस डेड कैट से। तो अभी फ़ैन जो है वो ऑफ है, तो आप आवाज़ सुन लीजिए। अब मैं फ़ैन को फुल स्पीड पे चलाने वाली हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे इसके लिए विंड रिडक्शन के लिए। और साथ में मैं नॉइस कैंसिलेशन भी बाद में ऑन करूँगी, पहले बिना वॉइस नॉइस कैंसिलेशन के ये लगा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इस पर। ओके, तो अब जो फ़ैन है वो फुल स्पीड पे चल रहा है और ये मैंने डेड कैट इसमें लगा दिया है, तो अब आप सुनो कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है वॉइस पे कि नहीं। और अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, अब मैं नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन करती हूँ और देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो अब नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन है और विंड रिडक्शन भी है इसके थ्रू।
तो आई होप इसमें कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा, नॉइस कैंसिल हुई होगी या नहीं, वो तो अब आपको पता ही लग गया। ये कंपनी क्लेम करती है कि इसकी बैटरी लाइफ है 40 आवर्स, तो हमें ये केस मिलता है आप इसी में ही या तो डायरेक्ट इसमें जो रिसीवर और ट्रांसमीटर है वो रख के इसको चार्ज कर सकते हैं टाइप सी से जो कि इसमें अवेलेबल है, या फिर इसके जो ट्रांसमीटर है इसमें भी हमें चार्जिंग के लिए वो पोर्ट दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो या इस केस में रख के भी चार्ज कर सकते हो। और ये कहते हैं कि 40 घंटे बैटरी लाइफ है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है, पर अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है तो इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। अगर हो सका तो मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊँगी ये सच है कि नहीं। तो एक और इसमें जो मुझे चीज़ मिली है वो ये है कि जब आपका जो लाइटनिंग कनेक्टर लगा हुआ है आईफोन से और आपने रिकॉर्डिंग को सुनना है, तो आपको वो डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि DJI में और रोड में अगर आपको अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो को सुनना है तो आपको वो डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, आपको बार बार इसको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देख लिया इसका विंड डिडक्शन टेस्ट, आउटडोर नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट, रेंज टेस्ट, तो आप अब खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। मेरे से पूछोगे तो बिल्कुल ये वर्थ इट है इस प्राइस रेंज में। अब प्राइस रेंज की अगर बात करें तो मुझे ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील में मिला है 12,400 रुपये का, और अगर आपको भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और इसके जैसे मैंने बताया डिफरेंट रेंज है, अगर आप सिर्फ सी या सिर्फ लाइटनिंग लेंगे तो वो इससे भी सस्ता आपको मिल जाएगा 10,000 के अराउंड। और मैंने बहुत जगह ये क्वेश्चन देखा है कि क्या ये GoPro से कंपैटिबल है या नहीं, तो GoPro से ही बिल्कुल कंपैटिबल है, बट उसके लिए आपको एक अलग से मीडिया अडॉप्टर लेना पड़ता है जो कि ऐसा दिखता है, और इसमें वो 4,000 कुछ का आता है। उससे फिर आप 3.5 mm जैक जो इसके साथ दिया हुआ है उससे कनेक्ट करके आप इसे GoPro के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज यही है कि एक्सपेंसिव नहीं है जैसे हाई एंड हमारे मिलते हैं उनकी तरह, रेंज टेस्ट सही है, नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है, और विंड कैंसिलेशन भी हमने देखा सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छी तो नहीं थी क्योंकि फ़ैन की आवाज़ तब भी आ रही थी, पर सेटिस्फैक्ट्री इस रेंज के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें यूनिवर्सल कनेक्टर है, मैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अलग से कोई वायर खरीदने की ज़रूरत नहीं, अलग से कोई गैजेट नहीं, एक्सेसरी नहीं खरीदनी पड़ेगी इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने डिफरेंट डिवाइसेस से। और हाँ, इसके लिए कोई आपको एक्सटर्नल ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। वैसे इनकी एक एक्सटर्नल ऐप है बट वो आपकी लिए ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें नहीं, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें वो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग रखनी है, वीक रखनी है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो फीचर्स वहाँ से भी, वहाँ से आप देख सकते हो कितना रिकॉर्ड हो रहा है, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं बढ़ानी अपनी फ़ोन की तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। और कॉन्स की बात करें तो वैसे कॉन में नहीं करूँगी क्योंकि इसका प्राइस ऐसा है कि इतने में तो बहुत कुछ दे रहे हैं, बट जैसे कि हमने रोड और DJI में देखा है कि उनकी इंटरनल मेमोरी भी रहती है जिसमें वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो आपके पास एक बैकअप रहता है, तो इसमें वो बैकअप नहीं है, आप सीधा फ़ोन में ही रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बस फ़ोन से अगर आपकी वीडियो बंद हो गई या कुछ मिसमैच हो गया तो आपको वो ऑडियो दोबारा नहीं मिलेगी। सो अब आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये लेना है या नहीं। तो आपको ये माइक्रोफोन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अब मेरी आप नेक्स्ट वीडियोस में यही माइक यूज़ करूँगी मैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस देखना है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।